भिवानी न्यायालय परिसर में 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 11 सितंबर को दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, तथा साथ ही जनपद में स्थित बासगांव, कैंपियरगंज, चौरीचौरा, गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में विशिष्ट विषय आपराधिक वाद, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, विद्युत एवं जल विवाद, सर्विस वादों, किराया, विशिष्ट अनुतोषवाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कोविड-19 का पालन करते हुए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, ग्यारह तारीख को जो सितंबर माह के द्वितीय शनिवार में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसमें निम्नलिखित प्रकार के वादों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा, जैसे कि धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम, समनीयवाद और बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम न्यायालय से संबंधित श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल विवाद और सर्विस वाद और अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, और इसमें विशेषकर जो ई चालानी वादों का निस्तारण पर अधिकाधिक जोर दिया जाएगा, और हमारे माननीय न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री तेज बहादुर श्री तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दिनांक 11/9/21 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए। ये लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर में और जो इसके बाह्य न्यायालय हैं, जैसे कैंपियरगंज, गोला, बासगांव आदि न्यायालय, सिविल दीवानी न्यायालयों में मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।